अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये वीडियो जो मैं अभी लेके आई हूँ, इसमें ये मैं आपको बताऊँगा, अगर जो जो अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, VDSL या DSL, कोई भी अगर नेट कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास कोई डिवाइस ऐसी लगी हुई है जिसकी रेंज कम है, यानी कि मैंने जो अपनी डिवाइस लगाई है वो यानी कि ड्राइंग रूम में लगाई हुई है मैंने अपनी डिवाइस, और मेरा जो ऑफिस है ना, होम ऑफिस, यहाँ तक उसके सिग्नल नहीं आते, जिसकी वजह से मैं अभी एक डिवाइस लेके आया हूँ, वो मैं यानी कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा उस डिवाइस के साथ, तो मेरे सिग्नल जो है, फिर आई होप के ये सिग्नल प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। टेंडा की डिवाइस है, बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, कुरीग हैं, जिन्होंने ये यूज़ की है और अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों में से भी किसी को कोई मसला है सिग्नल का, तो इस टेंडा की डिवाइस को अभी यूज़ करें। तो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका जो है, मेथड, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, सिंपल है, ईजी वे है, कोई इतना मसला नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को और लाइक कर दिएगा वीडियो को एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ठीक है। तो अभी चलता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपके पास उसको दिखाता हूँ। ये अभी ठीक है, ये बुक क्या, बुक को आप साइड पे कर दें, ये डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपकी यानी कि सिग्नल की जो रेंज है, 5th to 6th floor, यानी कि अगर फिफ्थ फ्लोर पे अगर लगी होगी आपकी डिवाइस, तो अगर इसको आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएंगे तो सिग्नल की रेंज जो है ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये चार्जर है, चार्जर आपको साथ मिल जाएगा इसके, और ये जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, मेरे से वायर आपको अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये वाईफाई अगर नज़दीक लगाना है तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं वाईफाई, उसका भी मेथड मैं आपको बताऊँगा, तो आप देख लेना वीडियो, ठीक है। इसमें वन थिंग और एक चीज़ और जो मैंने आपको बतानी है, ये देखें, ये जो है ना, ये जो वायर निकली थी बीच में, ठीक है, ये ठीक है, ये आपने लगानी है डिवाइस की यहाँ पर, ठीक है, वैन में लगानी है आपने, ठीक है, एक पीछे पोर्ट है वहाँ पर आपने लगा दिया, ये जो दूसरी है, इसका दूसरा जो ये है कनेक्टर, ये आपने लगाना है पीसी के पीछे, पीसी या लैपटॉप जो भी है, ये लैंड कार्ड के साथ लगाना है अपने पीछे बैक साइड के, क्योंकि मेरा बिल्टन है, बोर्ड के साथ है लैंड कार्ड, इसलिए मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लग गया। तो इसके बाद जो प्रोसीजर है वो आपने स्टार्ट कर देना, ये देखिए लाइट ब्लिंक हो गई है, ये तारा ये लगाया लाइट ब्लिंक, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ आपने वन टाइम लगानी है, जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जब आपकी टेंडा की डिवाइस ओपन हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने इसको उतार देना यहाँ से भी, ठीक है, फिर यहाँ से भी आपने उतार देना है इसको, ये सिर्फ वन टाइम के लिए है, जब तक आपकी लिंक जो है वो अटैच नहीं होती VDSL के साथ या DSL के साथ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वायर आपने लगानी है, उसके बाद जो है जब हो जाएगी उसके बाद आपने उतार देनी है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो सभी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करके आपने यहाँ पे 192.168.10.1, ठीक है, ये आपने ओपन कर लेना है, तो ये इसकी टेंडा की जो है ओपन हो जाएगी। तो ये इसका होम पेज ओपन हो गया टेंडा का। अब यहाँ पर अपनी वाईफाई पासवर्ड वो डालना है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप डाल दें जो आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप करता हूँ मैं, उसके बाद ओके सेव, ये आ गया, ठीक है, सेव्ड हो गया पासवर्ड आपका, सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो आना इंटरनेट ये वायरलेस सेटिंग, ओके, वायरलेस सेटिंग के बाद आपने यहाँ पर आके वाईफाई नेम जो भी आपने रखना है वो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रखता हूँ ये पाकिस्तान, ठीक है, पासवर्ड वही जो आपने पीछे डाला था लास्ट टाइम, वही यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद आपने देखना है नीचे, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, ओके ओके सेव सक्सेसफुली, यहाँ में ये आपने WISP पे ओके करना है, चेक करना है, वायरस रिपीटिंग पे आके यहाँ पर जो आप इंटरनेट का जो आपका यूज़र नेम है जो आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, वो आपने सेलेक्ट करना है, मेरा PTCLBB है,
अब ये दो पीटी सेट बीबी है, एक किसी और का है, एक मेरा इसमें। ये पीटी सेट बीबी आई थिंक फर्स्ट वाला है। ये यहाँ पे पासवर्ड आपने वही डालना है जो आपके इंटरनेट का है, ठीक है। यहाँ पर आपने टेंडा का पासवर्ड नहीं डालना, आपने वही डालना है जो आप यूज़ कर रहे हो, जो पासवर्ड आपका डिवाइस का है, पीटी सेल डिवाइस का पासवर्ड है आपका, वो यहाँ पे पुट करके ओके। रिबूटिंग ब्रीस वेट, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा चंद सेकंड के लिए। ये हो गया, ठीक है। अब क्या आता है यहाँ पे, डिसकनेक्टेड, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अभी इसका थोड़ा काम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अप स्ट्रीमिंग, ठीक है। ये अप स्ट्रीमिंग कर रहा है आपके उस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है आपकी डिवाइस के साथ, डीएसएल या वीडीएसएल, जो डिवाइस, जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं ना, टेंडा उसके साथ कॉन्फ़िगर। ये देखें जी, ये हो गया है, अटैच डिवाइस वन डिवाइस, यानी कि टेंडा की जो डिवाइस है वो उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, अटैच हो गई है, ठीक है। डाउनलोड स्पीड 0, अपलोड स्पीड 0, भी इसकी स्पीड 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन ये इसने किया हुआ है कि 0 स्पीड आ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टेटस। मैं अभी यूट्यूब ओपन करता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, कनेक्ट हो गया, ये चढ़ गया, ये देखें, ये इंटरनेट पे आ गया, वायरलेस सेटिंग पे, ठीक है। ये मेरा वो है पाकिस्तान, जो मैंने टेंडा पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था ना, इसका एक यहाँ पे ये आ गया इसका डिस्प्ले, ठीक है। और एक पी टी सेट बीबी का यहाँ पे ये डिस्प्ले आ गया। ये दोनों इंटरनेट नेट एक ही है मेरा, ठीक है। अब पाकिस्तान, अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे जो है ना, मैं ये नेट यूज़ करूँगा, क्योंकि पी टी सेट बीबी के सिग्नल पूरे नहीं आते, देख रहे हैं आप, इसका एक सिग्नल कम आ रहा है, ठीक है। एक ये भी डिस्कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, इसको डिस्कनेक्ट करके, मसलन ये पी टी सेट भी है ना, ये कनेक्ट करता हूँ मैं आप यहाँ पर। हाँ, कि अपनी मर्ज़ी, डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, आई डोंट नो, मे बी मैं पासवर्ड इसका भूल ना गया हूँ, मुझे याद नहीं, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मैंने ये पासवर्ड एंटर किया यहाँ पे। डालना यहाँ पर आपने पी टी सेट बीबी का पासवर्ड, वो है जो पी टी सेट बीबी, जो पी टी सेट वालों की डिवाइस पे जो मैंने किया हुआ है, पुट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, अब पी टी सेट बीबी जो है कनेक्ट हो गया मेरे यहाँ पे, ठीक है। एक नेट ये है, ठीक है, मतलब कि नेट तो सेम है, एक ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं अब ये यूज़ किया करूँगा पाकिस्तान, क्योंकि मेरे यहाँ पे मोबाइल के, लैपटॉप के और इस पे सिस्टम के जो मेरे सिग्नल हैं वो पाकिस्तानी टेंडा की डिवाइस पे यहाँ पर पूरे आते हैं, तो पी टी सेट बीबी भी जो है मेरे मोबाइल के सिग्नल पूरे नहीं आते हैं। तो मैं ये दोबारा कनेक्ट करता हूँ पाकिस्तान पी टी सेट बीबी का, मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। ये पाकिस्तान कनेक्ट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, ये चीज़ है दोनों, ठीक है। तो अगर तो आप इस पी टी सेट बीबी की डिवाइस के पास हैं, तो फिर आप बेशक ये यूज़ कर सकते हैं पी टी सेट बीबी का। अगर आप थोड़ा सा दूर हैं या आउटसाइड हैं, अपने घर के नीचे हैं, आप लॉन में हैं या छत पे हैं, जहाँ पर भी हैं जहाँ पे पी टी सेट बीबी के सिग्नल पूरे नहीं आते, तो फिर आप जो है पाकिस्तान, जो टेंडा की डिवाइस जो आपने कन्फिग्रेशन की है टेंडा की, ये फिर पाकिस्तान, फिर आप ये यूज़ करें, ठीक है। ये पासवर्ड अपने मोबाइल, अपने डिवाइस पे आप ये पुट करें, आपके सिग्नल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी 100% गारंटी के साथ, ठीक है।